क्लास हमारे कॉलेज में आज हमने ऑर्गेनाइज किया है 2 days नेशनल कॉन्फ्रेंस विच विल बी डिस्कसिंग अबाउट पेडागॉजी एंड असेसमेंट रिफॉर्म्स इन ट्यून विद NEP 2020. वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट एमिनेंट पीपल एंड एकेडमिशियन पैन इंडिया हैव जॉइंड अस. हमारे प्रोग्राम में आज चीफ गेस्ट जो हैं वो हमारे प्रोफेसर दिनेश सिंह हैं. वी ऑल्सो आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे 2 वाइस चांसलर जम्मू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर उमेश राय, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ और पैन इंडिया एकेडमिशियंस जो हैं उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है इस इनॉग्रल फंक्शन में. बेसिकली यहाँ हमारे कॉलेज का ये एक कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूशन एजुकेशन जो है ये एक ट्रेनिंग कॉलेज है और हम चाहते हैं कि हम ये बात जो है सब कॉलेजेस तक पहुँचाएँ कि अगर हमने नई एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया है अपनी UT में तो इसके साथ साथ हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लानी है अपने पढ़ाने के स्टाइल में और अपने असेसमेंट के स्टाइल में. स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच को हमने फैसिलिटेट करना है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को इनक्रेज करना है. इसी सिलसिले में हमने आज एक कॉन्फ्रेंस रखी है और मुझे पूरा यकीन है कि इस कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा ऑन द एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ JNK. शुक्रिया. देखिए NEP को इम्प्लीमेंट हुए अभी 2 साल हो गए हैं और जब भी कोई नई पॉलिसी आती है ये पॉलिसी जो है 36 ईयर्स के बाद आई हुई है और जब भी किसी पॉलिसी को नई चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होते हैं. ये प्रोग्राम इसीलिए ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ताकि हम आपस में बात कर सकें और जो हमने लोग बुलाए हुए हैं पैन इंडिया उनके एक्सपीरियंसेस उनके इनपुट्स लेके अगर हमें कुछ मुश्किलें आ रही हैं उसको हम दूर करें ताकि हमारे बच्चे जो हैं UT ऑफ JNK के इनको भी वही सुविधाएँ मिलें, इनको भी वही अपॉर्चुनिटीज मिले जो बड़े बड़े इदारे जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसके वाइस चांसलर आज यहाँ बैठे हुए हैं, उससे हमारे बच्चे जो हैं वो बेनिफिट पाएँ और हम भी अपने चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें.